भारत माता की। देखिए दीदी पूछ रही है हम भगवान है क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया। लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। अरे जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। रोज आप सुनिए, रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा, ये आपकी पार्टी बोल रही है। क्या ये सुनने के बाद भगवान को तकलीफ देने की जरूरत है क्या, भगवान को पूछने की जरूरत है क्या? आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है? आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है? आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है, मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन
हार गई है।